महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अस्पताल मरीजों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने 3 अगस्त को घोषणा की थी कि सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त किया जाएगा और इसका खर्चा राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों, महिला अस्पतालों, जिला सामान्य अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और कैंसर अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। ये फैसला कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। बता दें, इस योजना से राज्य भर के करीब 2.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। हालांकि योजना उन अस्पतालों या मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होगी जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आते हैं। इसके अलावा सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आवेदन करने के लिए नागरिकों के पास अपना राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।